लड़के अलग ही आतंक है। ये बंदर भी बहुत बहुत प्यारा है, तो छोटे छोटे यहाँ पे बहुत बंदर है, लेकिन बंदरों से यहाँ थोड़ा बच के पीछे भी यहाँ पे भी लड़के बंदर के साथ खेल रहे हैं। यहाँ के बंदर भी कोऑपरेटिव है लोगों के साथ में। तो फ्रेंड्स, अभी चिक्कलदरा से निकलने के बाद अभी सेकंड जा रहे हैं स्पॉट। तो ऐसा है सीन कि बीच में एक ये पड़ता है गांव, तो वहां पे भी एक अच्छा टेंपल है, तो वहां जाने का पहले सोच रहे हैं, क्योंकि शेगांव जाते जाते मतलब लेन में ही पड़ता है, तो वहां जाएंगे और उसके बाद में आज रात तक तो शेगांव पहुँच ही जाएंगे, और वहाँ से शेगांव पहुँचने के बाद में शेगांव थोड़ा घूमेंगे और फिर वहाँ से बैक टू पवेलियन। चिक्कलदरा की घाटी से वापस जाते वक्त मतलब ऐसा है कि एक टर्निंग आती है, और वो टर्निंग से पूरा चिक्कलदरा का नीचे का व्यू मिलता, मतलब पूरा ये ऐसा पीछे साइड का पूरा व्यू मिलता, और ये व्यू बहुत कड़क है। मतलब वापस जा रहे हो दिन में या फिर दिन में आप आ रहे हो तो ये स्पॉट पे ज़रूर रुको, क्योंकि भाई रास्ते का बर्थ यही है। पीछे साइड में नदी भी है और उसके बीच में पूरी पहाड़ी है, मतलब यार ये सही है, क्या मतलब क्या ही बोलें। सो गाइज, अभी चिक्कलदरा लीव करने के बाद में हम जो अपनी सेकंड डेस्टिनेशन है उसके तरफ अभी निकल गए थे, और अभी वापस से वही रोड से वापस जा रहे हैं, मतलब थोड़ा घूम के जा रहे हैं, क्योंकि एक हमने एक जस्ट अभी देखा था मैप पे, तो एक नई लोकेशन और दिखी है, तो वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद में फिर वहाँ से फिर शेगांव के लिए निकलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक शेगांव पहुँच जाएंगे, और उसके बाद में शेगांव में थोड़ा रुक के फिर वहाँ से वापस चले जाएंगे। तो चिक्कलदरा आज पूरा ख़त्म हुआ, आज बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया हमने, बस एक स्पॉट था वो बस स्किप किया हमने, बिकॉज वो स्पॉट पे ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने मतलब वहाँ पे पूछा भी था तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए हमने स्किप कर दिया, और टाइम थोड़ा सेव करते हुए हम थोड़ा जल्दी निकल गए वहाँ से, और वहाँ से अभी पूरा घाटी वगैरह पार करके वापस से मतलब अमरावती रोड पकड़ के अभी दूसरे एक नए लोकेशन पे जा रहे हैं, फिर वहाँ से फिर शेगांव जाएंगे। तो गाइस, ये वो लोकेशन था जहाँ पे आ रहे थे, पास में पड़ता है ये लोकेशन, और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि मतलब आसपास मतलब यहाँ से जब हम उतर रहे थे तो रेंजर्स ने बताया था कि ये जो मंदिर है ये बहुत मान्य है, और यहाँ पे मतलब ऐसा है कि लोग बहुत आते जाते हैं, और मेन चीज़ यहाँ पे कैसा कि यहाँ के लोकल पब्लिक की मान्यता है कि ये जागृत मंदिर है, तो एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता कि मंदिर काय का है, तो मंदिर के अंदर शायद कैमरा अलाउड ना हो, अगर रहा तो अंदर कुछ करेंगे, अगर अलाउड नहीं रहा तो कैमरा बाहर ही रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे एंटर करते और देखते कि वो मंदिर किस चीज़ का है, और उसके बाद में अगर होता है अलाउड तो अंदर का भी शूट करेंगे उसके बाद। तो गाइस, ये है वो मंदिर का पूरा प्रेमाइसेस, और यहाँ पे मतलब
लोग तो अच्छे खासा है, लेकिन पता नहीं है किस चीज़ का मंदिर है। तो अंदर जाके थोड़ा देखना पड़ेगा कि मंदिर किस चीज़ का है। और यहाँ पर मतलब बताया गया था कि ये मंदिर यहाँ पे बहुत समय से और यहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अंदर जाके देखना पड़ेगा कि मंदिर किसका है, क्योंकि मेरे को बाहर में मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो अंदर जाके देखते हैं। सो गाइस, ये पूरा यहाँ पे ऐसा प्रीमाइसेस है, लेकिन मेरे को ना एक चीज़ समझ में नहीं आई, ऑनलाइन जो अभी क्लासेस चल रही है ना उसके, इसमें पता क्या ऐसे इंजीनियर्स यहाँ पे बन रहे हैं, टेरिस का रास्ता यहाँ पे है और यहाँ दीवार बना दी गई है और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर का रास्ता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टी यही जा रही है कि लड़कों को प्रैक्टिकल कुछ समझ नहीं रहा है और थेरोटिकली कुछ ज़्यादा ही समझ जा रहा है, तो थेरोटिकल में ऐसे मिस्टेक्स बहुत हो रही है। सो गाइस, ये जो यहाँ पे मंदिर आश्रम बना है, एक्चुअली मंदिर नहीं है, पूरा आश्रम है, और यहाँ पे एक मंदिर महाराज जी का बना है, ये श्री संत गुणवंत महाराज है उनका, ये यहाँ पे पूरा बना हुआ था। और यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि मतलब ये जो महाराज थे यहाँ पे, ये बहुत पुराने समय से है और स्पिरिचुअलिटी लेवल्स वगैरह जिनको पता होगा तो वो लोग समझ सकते हैं कि उनमें पावर्स थी जो मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स देती थी लोगों को। तो यहाँ पे इनकी मान्यता है और ये बहुत अच्छा मंदिर है, और यहाँ पे जब भी चिकलदरा आते हो तो ऑन द वे ही पड़ता है, तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते। मंदिर के जस्ट पीछे में उनका एक बर्थ प्लेस है छोटा सा, तो मतलब मंदिर के जस्ट पीछे है, तो सोचा कि वहाँ पे भी थोड़ा जाके देखेंगे। और बर्थ प्लेस भी बहुत बहुत वही पुराने टाइप से बनी हुई है और अभी उसमें कुछ ज़्यादा रेनोवेट नहीं किया, बस मंदिर एक नया बनाया। ये उनका ये पूरा बर्थ प्लेस यहाँ पे पीछे से छोटा सा बना हुआ है, और ये साइड में पूरा मतलब यहाँ से एंट्रेंस है, और ये वही पुराने टाइप का है जो जैसा वो टाइम पे था। यहाँ पे ज़्यादा कुछ रेनोवेट नहीं किया है, बस वैसे का वैसे ही रखा है। और इनका जो आश्रम है और पीछे जो मंदिर है वो बस नया बना है, और मंदिर के जस्ट पीछे में इनका बर्थ प्लेस है जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो भाई यहाँ से डायरेक्टली निकलने का तो अभी शेगांव जाने का सीन है, और डायरेक्टली शेगांव पहुँचेंगे अभी, और अभी कहीं का स्टॉप नहीं है, इन केस अगर लगता है तो कहीं ब्रेक लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे, क्योंकि शेगांव थोड़ा जल्दी पहुँचना है कि रात अभी यहाँ पे होते जा रही है, क्योंकि रात में कल जैसा ट्रैफिक मिला था शायद वैसा ट्रैफिक मिल सकता है क्योंकि सेम रूट फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ से जल्दी निकल गए थे कि थोड़ा टाइम बच जाए, तो टाइम बचने के कारण ये एक लोकेशन हमने कवर कर ली, और इसके बाद अभी डायरेक्टली शेगांव जाएंगे और वहीं पे फिर जो भी है खाना पीना वगैरह। तो कहते अभी शेगांव जा रहे थे, थोड़ा रेस्ट लिए क्योंकि गाड़ी थोड़ी हीट हो रही थी, और कंटिन्यूस अभी चल ही रहे थे कुछ अराउंड अच्छे खासे किलोमीटर्स कवर हो गए, बट कैसा है कि एक शॉर्टेस्ट रूट हमको बता दिया था गूगल मैप ने, बट उसमें छोटा सा ये प्रॉब्लम आ गया कि वो शॉर्टेस्ट रूट जो था वही मतलब एक थोड़ा एक्स्ट्रा किलोमीटर्स वो ट्रैवल कर रहा है, और यही एपी के यार जो हैपन हो जाता है बहुत बार ट्रैवलिंग में, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट वही कि रात में थोड़ा भी ट्रैवलिंग बढ़ रही है और नहीं होना चाहिए था, जो हो गया है तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जो हो रही है, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, वही है कि अभी बस ट्रैवल करना पड़ेगा एक्स्ट्रा किलोमीटर्स, और शेगांव थोड़ा लेट पहुंचेंगे, शायद वहाँ मंदिर चालू है बंद है वो भी पता नहीं है, पता किया है थोड़ा तो पता चला है कि रात में 10 बजे तक चालू है, बट वही चीज़ है कि यार हो जाता है। ठंडी में ये चीज़ अच्छी है कि रोड साइड में बॉनफायर मिल गया, मतलब चाय पीने रुके तो यहीं पर बॉनफायर मिला, तो ठंडी अच्छी खासी है, मतलब रास्ते में चलते वक्त तो गाड़ी के अंदर ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन ठंडी अच्छी खासी चल रही है।